भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासन गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरि नाम संकीर्तन की, संकीर्तन धर्म प्रदाता, सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। जय पंचतत्वात्म श्री गौर हरि की जय। जय श्रील गुरुदेव परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी रचित मनोह शिक्षा ग्रंथ का 10वीं श्लोक। रति में गौरी लीलय पीतपति सुंदरिया किरणई शची लक्ष्मी सत्या परिभावती सौभाग्यवल नहीं बसी आर चंद्रा बलि मुख नवीन व्रज सती शीपत्याराध्यातम हरिदयितरदम भज मन। इस श्लोक द्वारा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद स्वरूप शक्ति की आश्रय करने के लिए बोला, आश्रय करने के लिए बोला। स्वरूप शक्ति कौन है? कृष्ण शक्तिमान राधा पूर्ण शक्ति। कृष्ण शक्ति कोथाएं? श्रीमती राधा रानी का भीष्म, अर्थात राधा रानी शक्ति का प्रकाश है, कृष्ण शक्ति का प्रकाश है। स्वरूप शक्ति स्वयं श्रीमती राधा रानी। इस श्लोक द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी हम लोगों का बोल रहा है, राधा रानी का चरण में आश्रय व्यतीत और रोहित कहीं भी अर्थात शक्तिमान यानी ब्रजेंद्र नंदन यानी कृष्ण का कृपा कभी भी नहीं मिलेगा। तो शक्ति चाहिए, शक्तिमान का चाहिए, तो शक्ति का आश्रय करना है पहला। तो देखिए, हे मनः, आप एकमात्र श्रीमती राधा रानी का ही भजन करो, क्योंकि उन्होंने रति गौरी एवं लीला देवी सारे का सौंदर्य से पराजित कर दिया। फिर भी शची लक्ष्मी सत्यभामा आदि इन लोगों का भी पराजित किया। जो वृंदावन में गोपियों का वेश में चंद्रावली है उनका भी पराजित कर दिया। कैसा? उन्होंने कृष्ण का वशीभूत कर लिया, अपना बना लिया। तो देखिए, तो वही श्री कृष्ण का कौन? श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण जी का अत्यंत प्रियतमा है। तो इसीलिए क्या करना है? एकमात्र श्री राधा रानी का ही भजन करना है। तो देखिए, इस श्लोक द्वारा बताया पहला कि रोति गौरी लीले। रोति में यानी रोति देवी, गौरी गौरी यानी पार्वती देवी, और लीले लीला देवी। इन सारे देव देवी लोग देवियों ने राधा रानी का पास हार मान लिया। और फिर भी बताया लक्ष्मी देवी, शची देवी, सत्यभामा देवी, इन लोग भी सौभाग्य से राधा रानी का पास हार मान लिया। तो श्लोक में ऐसा कहता है, उमा रमा सत्य शचि रुक्मिणी राधाय अवतार सब अमनाय वाणी। राधा रानी पूर्ण शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान। तो देखिए, कृष्ण का सर्वप्रथम शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए कहता है, इस संसार में जितना भी नारी का प्रकाश है, जितना भी शक्ति का प्रकाश है, उसका मूल उच्च श्रीमती राधा रानी है। तो यहाँ पे रति देवी, गौरी देवी, लीला देवी,
सारे भगवान का शक्ति का प्रकाश है। फिर भी शची देवी, लक्ष्मी देवी, सत्यभामा देवी, इन लोग भी भगवान का शक्ति का प्रकाश है। तो ये सारे शक्ति का मूल उत्स कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी मूल शक्ति है। तो मूल शक्ति का पास कभी भी अंश अंश शक्ति, यानी मूल शक्ति से निकले हुआ कोई शक्ति, उसका मूल शक्ति का साथ कभी भी नहीं जीत सकता है। इन सारे सांप राधा रानी का पास हार मान लिया, क्योंकि राधा रानी का इतना सारे गुण है, इतना सारे गुण है, वो कृष्ण का अपना बना लिया और कोई इनका साथ नहीं जीत पाए। तो देखिए इसका बारे में एक अच्छा लीला है। एक बार लक्ष्मी देवी भगवान का बोलने लगे, मैंने आपका रासलीला यानी वृंदावन का ब्रजलीला जो है उसमें अंशग्रहण करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण जी ने तब लक्ष्मी देवी का बोला, आप ब्रजलीला में अंशग्रहण करना चाहे तो आपका क्या करना है? सर्वे पहला जो आप लक्ष्मी है उसी अहंकार त्याग करना है, यानी ऐश्वर्य का जो भाव है वो त्याग करना है। फिर ब्रज में आके यहाँ पे जन्म लेना है किसी का गोप का घर में, तो गोप का जो स्वाभाविक कर्म है गैया का देखभाल करना, दूध निकालना, दही बनाना, मठा बनाना, इन सारे कार्यों है वो करना है। और दूसरी गोपों का साथ आपका शादी हुआ होगा उसी से चिप चिप के आके मेरा इस भोजनीला आस्वादन करना है, क्योंकि ये परोक्या भाव है। ये परोक्या क्यों है? इसका मतलब है जे जितना समय इस संसार का संबंध रहेगा इतना समय भगवान को ब्रजलीला कोई आस्वादन नहीं कर सकता है। इस संसार का आसक्ति का पराकाष्ठा, संसार का आसक्ति छोड़ने का पराकाष्ठा रूप है ब्रजलीला। आप सोचेगा मैं दूसरी का पत्नी होकर भगवान कृष्ण जी का पास कैसे जा सकता हूँ, एक दूसरी पुरुष का पास कैसे जा सकता हूँ? लेकिन ये विचार ऐसा यह नहीं है। कृष्ण इस संसार का नियंता है। उन्होंने एकमात्र पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। इस प्रकृति का प्रधाना शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण ही इस संसार का स्वामी है। तो जब ऐसा विचार आ जाए तब इस संसार का जो जागतिक संबंध है, जो कुछ दिनों के लिए हम लोगों के बीच में बना हुआ है, वो संपर्क तक हमारा कांस फीका पड़ जाएगा। तो देखिए इसीलिए जगत का विचार से सोचना नहीं है, पारमार्थिक शास्त्रों का विचार से हम लोगों का सोचना पड़ेगा। तो फिर भी बताया, उन्होंने बोशी कर लिया। तो फिर भी चंद्रावली एक नवीन बहुत सुंदर सुंदरी है, एक गोपी है, वो राधा रानी का अनुगत्य स्वीकार नहीं करता है करती है। तो राधा रानी का अनुगत्य स्वीकार नहीं करती है, इसीलिए उन्होंने भी कृष्ण का वशीकरण नहीं कर पाए। कृष्ण राधा रानी आपने आप योग्यता से कृष्ण का वशीकरण कर लिया। तो देखिए कृष्ण खुद कहता है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न विद्यते। अर्थात श्रीमती राधा रानी का कृपा स्वर के कोई कृष्ण जी का कृपा नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? सर्व पहला हम लोगों का राधा रानी का ही भजन करना चाहिए उनका कृपा के लिए। देखिए फिर भी बताया, राधा रानी का बीच में ऐसे क्या गुण है जो कृष्ण का वशीभूत कर लिया, सबका हरा दिया? अभी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका का प्रधान प्रधान जो गुण है मैं उसका बारे में वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहला मधुर है, वो मधुरा है, वो नवीन वयस युक्ता चंचल नेत्रा उज्ज्वल हास्य युक्ता सौंदर्य सौभाग्य रेखा युक्ता सौगंध कृष्ण उन्मादिनी संगीत प्रसारज्ञा रमणीय राग विशिष्टा नर्म गुणे पंडिता राधारानी विनीता राधारानी करुणा पूर्णा राधारानी चतुरा
राधारानी पाट बनुता, राधारानी लज्जाशिला, राधारानी सुमधुर्य मर्यादा, धैर्ययुक्ता, गंभीरमयी, सुभिलाषयुक्ता, परमोत्कर्षे महाभावमयी, गोकुल प्रेम की बसती का आश्रय है, जगत श्रेणी का मध्य में ओयोश युक्ता है, गुरु लोकों में अर्पित गुरु सेनापति है, राधा रानी ही आदि गुरु आदि आचार्य है। भगवान का सेवा सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा तरीका से करते हुए कृष्ण का वशीभूत कर लिया। तो देखिए कृष्ण का जो अपना बना लिया सबसे उनका पास कोई नहीं जीत सकता है। जो उनका अनुगत्य स्वीकार करेगा तब उनका कृपा से कृष्ण का कृपा मिलेगा, लेकिन कृष्ण का राधा रानी सबके कोई जीत नहीं सकता। तो ऐसा राधा रानी का साथ टक्कर लगा के कृष्ण का कोई जीत नहीं सकता है। तो क्या है वो सारे आचार्य आचरण करते हुए हम लोगों का कृष्ण का सेवा का शिक्षा दे रहा है, इसलिए उन्होंने आदि गुरु है तो गुरु हो सिनोवर्ती सखी दिगो का प्रणय वाशयोगता, वो कृष्ण प्रिया रमण दिगो का मध्य मुख्या है, सर्वदा कृष्ण के अधीन कारिणी है। तो इसका बारे में बताया सिलो रूप गोस्वामी पाद ने, और भी बताया श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा, उसका तुल्य गुण और किसी भी गोपी का विष में नहीं, किसी भी औरत का विष में नहीं, औरत नहीं सॉरी किसी भी नारी का विष में नहीं। गोपो गंधर्व विश्रुत व्याख्या गोपालो और तापनीते गोपाल तापनीते तिनी, मैंने उन्होंने गंधर्व बोलकर विश्रुता करता है। बता यहाँ पे राधा इति ग्रीक परिशिष्ट राधाया माधव देवा माधवे नैव राधिका। रूप गोस्वामी पद और भी बताया क्या बोला, राधा की सहित माधव, माधव की सहित माधव का सहित राधा, पद्मेव राधा जिस रूप से श्री कृष्ण का प्रिया है, राधा कुंड तद्रुव प्रिय स्थान है, समस्त गोपी वर्गों में गोपी वर्गों का बीच राधा ही कृष्ण का अत्यंत वल्लभा। देखिए क्या है तो विचार करें राधा रानी भगवान का कितना प्रिय है। तो मैं सारे भक्तों का चरण में यही प्रार्थना करूँगा, सारे जीवों का मध्य यदि ब्रजभाव में रोती जन्मे, किसी भी जीव का बीच में यदि ब्रजभाव का रोती जन्मे, ब्रजभाव का प्रति आसक्ति जन्मे, तब उनका क्या करना है, श्री गुरु जी का निकट विदित तो होकर संबंध अवगत होकर निज सेवा साधन योग्य जो गुरुदेव का जो स्वरूप तत्व है मंजरी पद है उसी का आश्रय करते हुए भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए। तो भजन साधन करते करते मंजूरी का कृपा मिलने का बाद तब क्या होगा, सेवकों का दर्शन में गुरु रूपा जिसो की निकट सेवा लाभ होगा, उसका परिचर्या करते करते उसका श्रीमती राधा रानी का साक्षात दर्शन होगा, यानी पहला गुरु जी का पास मिला हुआ मंत्र गुरु जी का अनुगत्य में करने से हम लोग का मंजूरी का कृपा होगा, मंजूरी का कृपा होने से गुरु रूपा सखी का कृपा होगा, उसी कृपा से राधा रानी का कृपा होगा। तो बिना राधा प्रसाद न मत प्रसाद, भगवान कृष्ण चंद्र बोल रहा है, राधा रानी का प्रसाद कृपा सर के मेरा कृपा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे और भी एक बात है, बिना राधा यानी बिना गुरु, बिना राधा बिना गुरु, हाँ बिना गुरु प्रसादेन राधा कृपा न विद्यते, तो गुरु जी का कृपा सर के राधा रानी का भी कृपा कभी भी नहीं मिलेगा। तो जब गुरु जी का कृपा मिल जाएगा तब साक्षात राधा रानी का दर्शन होगा, कृपा मिलेगा और उनका कृपा से राधा कृष्ण का युगल सेवा में सेवा लाभ होगा।
আর এন সারে সব মিলেগা নিষ্কপট দৈন্য লালসা একান্ত হইতে সিদ্ধ হয় দৈন্য তা লালসা একান্ত তা ভগবান কা সেবা আমি কিতনা লালসা হ্যাঁ তো সারে ভক্ত কা চরণ মে দন্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করতে হুয়ে আপ সব লোক নিত্য প্রেম রাধা কৃষ্ণ কা নিত্য সেবা চাহিয়ে তো বিচার করকে দেখনা একমাত্র রাধারানী কা হি ভজন করনা আর রাধারানী কা ভজন করনে সে হি হাম লোক ইস সংসার কা সারে শক্তি তত্ত্ব কা ভজন হো জায়েগা আর রাধারানী কা ভজন করনে সে পহলা গুরুজি কা এক গুরুজি কা চরণ মে আশ্রয় লেকর সম্বন্ধ বানানা হোগা উসি সম্বন্ধ কা সহিত ভজন করতে হুয়ে মঞ্জুরী স্বরূপ প্রাপ্ত হকার সখী কা কৃপা মিলেগা ফের রাধারানী কা কৃপা মিলেগা ফের যুগল সেবা মে অধিকার মিলেগা এক লম্বা পদ্ধতি হে তো কৃপা করে হাম ভি এসা কর সকতা হুম গুরুজি কা চরণ মা আশ্রয় করতে হুয়ে গুরুজি কা সেবা মে সন্তুষ্ট কর সকতা হুম আপ লোক ভি করে হরে কৃষ্ণ।